जंग में लड़ता हुआ एक गुलाब देखा है, लहू लहान आंखों के अंदर एक ख्वाब देखा है। कहेंगे लोग फखर से सदियों तक कि हमने निकाब में इनकलाब देखा है। नीली आंखें, मासूम लुभाना चेहरा, जिसके सुर्ख होठों से निकलती है इकलाबी शायरी, यह मोहतरमा है आतंकवादी नेता यासिन मलिक की बेगम मुशाल हुसैन मलिक। जी हाँ, वही यासिन मलिक जिसने कश्मीर की पवित्र भूमि पर हिंदुओं का नरसंहार किया था, जो फिलहाल जेल में है। इसकी चर्चा द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद वापस होने लगी है, साथ में इसकी पत्नी की भी। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। आतंकवादी नेता यासिन मलिक की हैवानियत से सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब इसकी बेगम यानी आर्टिस्ट मुशाल हुसैन मलिक भारत के खिलाफ एक एजेंडे में तन मन धन से जुटी हुई है। यह एजेंडा क्या है, इससे पहले मुशाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह मुशाल का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसमें वह पीस यानी शांति की, फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्र सेनानी होने की और खुद को यासिन मलिक की प्राउड वाइफ बताती है। हाँ, वही आतंकवादी नेता यासिन जो तिहाड़ में अपनी कैद के दिन काट रहा है। मुशाल हुसैन मलिक अपनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है, जिसमें कई न्यूड्स पेंटिंग भी शामिल है, लेकिन आठ से ज्यादा मुशाल भारत विरोधी गतिविधियों के प्रचार प्रसार में तल्लीन नजर आती है। जैसे मुशाल बार बार हर प्लेटफॉर्म पर यह कहती है कि इंडियन आर्मी कश्मीर में जुल्म करती है, महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। इसी के साथ मुशाल भड़काऊ वीडियो बनाकर कश्मीर में रह रहे लोगों को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भी भड़काती है। मसलन यह वीडियो देखिए। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों की कुर्बानियों में उनके साथ खड़ा है। मगर मैं आपको आज ये पैगाम भी देना चाहती हूँ कि जिस तेजी से, जिस फिरौनियत से, जिस शिद्दत के साथ हिंदुस्तान हमारी नस्ल कुशी कर रहा है, तारीख में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। इन दो सालों में 50 लाख इंडियंस को डोमिसाइल दे दिए हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर, जहाँ के मालिक और वारिस हम थे और हमें अपनी ही जमीन पे कंप्लीट रेफ्यूजी बना दिया। मुशाल की पोस्ट देखे तो लगता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। यही नहीं, मुशाल अपने पति को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग भी कर रही है। वही हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर मुशाल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश में जुटी रहती हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है और एक जंग फेक न्यूज के हवाले से भी लड़ी जा रही है, जिसके खिलाफ व्यक्तिगत जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि हम फेक एजेंडे से प्रभावित ना हो। नमस्कार, मैं हूं नेहल। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।